हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और आसान रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे मुस्लिम स्टाइल चिकन करी। इसमें हम अंडे भी डालेंगे, आलू भी डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चिकन करी बनाने के लिए हमने आधा कप तेल अच्छे से गरम कर लिया है। इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 टीस्पून जीरा, 15 काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बादियान का फूल। कुछ सेकंड्स तक खड़े मसालों को तेल में सोटे करने के बाद हम इसमें आधा किलो प्याज ऐड कर देंगे। तो प्याज को हमने इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया है। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए, हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है। चिकन ऐड करने के साथ ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दें या फिर 2 टीस्पून नमक ऐड कर दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम चिकन को तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। तो 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर तेल में फ्राई करने के बाद चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो इतना इसे फ्राई करेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ली है, 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर और 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। मसाले ऐड करने के साथ ही हम इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों का कच्चापन दूर होने तक हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक खुले में पकाएंगे। तो मसालों को 1 से 1.5 मिनट तक खुले में पकाने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 10 से 12 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो हमने इसे कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लिया है। आप देख सकते हैं कि मसालों के साथ चिकन की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। तो एक बार इसे चला लेंगे और इस स्टेज पर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 बड़ी साइज़ के आलू लिए हैं और आलू को हमने इस तरह से थोड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू के गलने तक हम इसे लो फ्लेम पर और पकाएंगे। तो फिर से इसे कवर कर देंगे और पकने के दौरान हम इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो हमने आलू के गलने तक इसे पका लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर आधा कप दही ली है, लेकिन आधा कप दही में हमने आधा कप पानी ऐड करके इसे अच्छे से फेंट लिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। तो दही ऐड करने के बाद हमने इसे 2 मिनट के लिए और पका लिया है। आप इस सालन में दही की जगह टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इस स्टेज पर हम इसमें उबले हुए अंडे ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 8 बॉईल किए हुए अंडे लिए हैं। मिक्स कर लेंगे और साथ ही में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो सालन को कितना गाढ़ा रखना है या फिर कितना पतला रखना है, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 कप पानी लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो सालन में पानी ऐड करने के बाद हमने इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए और पका लिया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें 1 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही में हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।